नमस्कार तो इससे पूर्व हम वाल्टर पैंक ने जो एक अपर्दन चक्र की संकल्पना दी थी डेविस के अपर्दन चक्र आने के बाद और जो कि उनके जीवन में रहते हुए प्रकाशित नहीं हुई उनकी मृत्यु के बाद उनके जो महरूम डेविस जी थे उनके पिता ने उसको प्रकाशित किया था जो खुद भी एक जोग्राफर थे और बुक जो थी उसका नाम जो था मोर्थ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स के नाम से पब्लिश अनुवाद करके की थी 1924 में बाय फादर तो जो डेविस है उन्होंने एक तो इससे पहले वीडियो में मैंने बताया कि ढाल को बहुत महत्व दिया एक उत्थान को उन्होंने अपर्दन क्रिया के साथ प्रारंभ करके जो डेविस की गलती थी उसमें सुधार कर और वैसे अगर आप पैंक के पर्दन चक्र को देखेंगे तो वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है आपको यूँ लगेगा कि भाई वो बहुत अच्छा है बहुत बेहतर है और वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है आ, लेकिन आ, वैसा है नहीं एक तो ये है कि जर्मन भूगोल जो थे वो बड़े कटु आलोचक थे अमेरिकन्स के पैंक उन में से एक रहे होंगे खैर कुल मिला यह के ये है कि ये भी आप ऐसे नहीं सोच सकते कि नॉर्मल कोई आदमी थे अति प्रतिभाशाली व्यक्ति थे इन्होंने अपने हिसाब से वो तो ही कहते हैं कि भाई डेविस और जो पैंक थे वो अपर्दन चक्र को आ, डिफरेंट चश्मों से देखते थे डिफरेंट एंगल से देखते थे मानते दोनों थे लेकिन एक क्यों कहता था ऐसे संपन्न हुआ है क्यों कहता एक दूसरा ये कहता था नहीं ऐसे नहीं ये तो ऐसे संपन्न हुआ तो जो पैंक थे उनका एक्चुअली जो ज्यादा वर्क था वो सारा जर्मन लैंग्वेज में था जो कि बाद में ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में और जैसा मैंने कहा कि डेविस एंड पैंक सॉ जियोमरफोलॉजी थ्रू आइज अलग आंखों से वो देखते थे बात एक ही थी पहुंचे पहुँचते वहीं थे लेकिन कुछ 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 उसमें अंतर हो जाता था तो डेविस का जो चक्र था उसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने अलग शब्दों का प्रयोग करा सती जिंडे ब्लीक फार्मिंग और अब सती जिंडे ये वहाँ के शब्द होंगे जिनका शाब्दिक अर्थ है पहले का तेज गति से दूसरे का सामान्य और तीसरे का घटती गति से कोई चीज खत्म हो रही तो डेविस ने अपने अपर्दन चक्र सॉरी पाडल पैंक ने अपने अपर्दन चक्र को पांच स्टेजेस में बांटा अब फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो स्टेज है उसमें मैं बात आपको बताऊंगा कि पहला तो है अपलिफ्टमेंट कितना उठाव दूसरा है एब्सोल्यूट हाइट के अंतरतम उच्चतम ऊंचाई कितनी और रिलेटिव रिलीफ कटाव की क्या स्थिति है उच्चतम ऊंचाई और उसके बीच की तो जो पैंक है वो पहली स्टेज में कहते हैं कि जी अपलिफ्टमेंट एक्टिव है उन्होंने ये सुधार कर दिया डेविस वाले उसमें क्योंकि डेविस ने तो अपना चक्री त्वरित तो तो उत्थान की संकल्पना पे रखा था तो पैंक ने उसमें सुधार कर दिया वो कहते हैं कि जी पहली स्टेज है अपर्दन चक्र शुरू हुआ अपलिफ्टमेंट को चीज उठनी शुरू हुई उसके बाद पहली जो स्टेज है अपलिफ्टमेंट होनी शुरू हुई प्रभावी होनी शुरू हुई एब्सोल्यूट हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही चीज ऊपर उठ रही है जो उसकी उच्चतम ऊंचाई है वो बढ़ रही है रिलेटिव रिलीफ जो है वो भी कह रहे हैं पहली स्टेज में पैंक कहते हैं कि इंक्रीज हो रहा तो अपलिफ्टमेंट होने लगा एब्सोल्यूट हाइट बढ़ रही है और रिलेटिव रिलीफ वो भी इंक्रीज हो रहा ये वो दशा है जिसमें अपर्दन उतना प्रभावी नहीं है पैंक महदे के अनुसार सेकंड स्टेज को ये लिए बोलते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऊपर उठना अभी भी जारी है एब्सल्यूट हाइट जो है सर्वोच्च जो ऊंचाई वो अभी भी बढ़ रही है लेकिन रिलेटिव रिलीफ के लिए कह रहे हैं कि नदियों ने जो कटाव करना शुरू कर दिया जो नीचे का रिलेटिव वो उनका कटाव दर है वो कांस्टेंट है इंक्रीज नहीं हो रहा थर्ड स्टेज में बोलते हैं कि अपलिफ्टमेंट अब भी एक्टिव है चीज अब भी ऊपर उठ रही है एब्सलूट हाइट यहां पे आके कहते हैं कांस्टेंट है पहले इंक्रीज हो रही थी अब कॉन्स्टेंट और रिलेटिव रिली भी कांस्टेंट है इससे पहले स्टेज में कांस्टेंट था अब भी कांस्टेंट मतलब वो एक ही जगह है, रुका हुआ बढ़ने और कटने की दर बढ़ने और कटने की दर बराबर है चौथी स्टेज में पैंक कहते हैं कि जी अपलिफ्टमेंट जो है वो खत्म हो गया अब चीज ऊपर नहीं उठ रही पृथ्वी की आंतरिक बलों द्वारा किसी भी प्रकार का हलचल बंद होगी वो चीज ऊपर जितनी उठनी थी उठ चुकी लेकिन अब जो है वो नहीं उठ रही यहां वो ये कहते हैं कि फिर इसके बाद क्या होगा तो वो कहते हैं कि एब्सलूट जो हाइट है सर्वोच्च जो चाहिए वो डिक्रीज होनी प्रारंभ होगी उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और रिलेटिव रिलीफ जो है सर्वोत्तम नीचे का वो कांस्टेंट है यहां भी कांस्टेंट है फिफ्थ स्टेज में अपलिफ्टमेंट पहले ही खत्म हो चुका फोर्थ स्टेज में और एब्सोल्यूट जो हाइट है वो कम होती है और जो रिलेटिव रिलीफ है जो उच्चतम और नदियों ने काट के जो घाटी को गहरा करा रहा उसके बीच की भी दूरी घटती है वो कम होती है और उससे आगे कहते हैं कि एब्सल्यूट जो हाइट है वो रैपिडली डिक्रीज करती जाती है और वो धीरे धीरे चीजें समाप्त हो जाती हैं जहां से शुरू हुई चीजें वहीं समाप्त हो गई ये डेविस कहते थे ये पैंक महोदय का पैंक महोदय ने थोड़ा सुधार कर दिया और उन्होंने एक लास्ट की जो स्टेज है उसके लिए एक अलग शब्दावली का प्रयोग किया जो इंड्रम शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा जर्मन में होगा बैंक ने ढाल के विकास पर अत्यधिक बल देते हुए कहा कि जो पहली स्टेज है उसमें उत्तल ढाल रहेगा जो सेकंड स्टेज है उसमें सीधी रेखा वाला और जो अंत में है अवतल ढाल रहेगा ये मतलब डेविस वाले से वो नहीं वो शुरू में कहते हैं उत्तल रहेगा है।